अरे रात रात बोल शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे लेकिन क्या उन्होंने दुर्योधन का 56 भोग पाया? रथ पर विराजमान है सरकार, भीड़ की भीड़ लगी है ठाकुर जी के मुखारविंद की उनकी छटा को देखने के लिए।
सब मोहित हो रहे हैं सरकार को देखने के लिए। छज्जों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, अरे गोविंद आ रहे हैं, कन्हैया आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। लेकिन इतनी भीड़ में दूर खड़ी है एक बूढ़ी विदुराई जो पंजों के बल पे उछल उछल के देख रही है। विदुर जी कहते हैं क्या कर रही है बावली, बोले मेरा कन्हैया आया है, मेरा कन्हैया आया है। इतनी भीड़ देख रही है ठाकुर जी को, लेकिन ठाकुर जी की नजर तो कहीं और ही है, ठाकुर जी की दृष्टि किसी और को ढूंढ रही है, ठाकुर जी की दृष्टि ढूंढ रही है उस बूढ़ी विदुराइन को। और जैसे ही दृष्टि पड़ी विदुराइन ने देखा गोविंद की ओर, गोविंद ने तुरंत हाथ हिला दिया, चाची तू घर चल मैं आता हूँ, ऐसा मेरा गोविंद है। इसीलिए कह रही हूँ दोनों हाथ उठा के एक बार कह दो राधे राधे, पता नहीं किस पर कृपा हो जाए। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। तू बस याद करो, याद करो, याद करो, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर, तू बस याद कर, फरियाद कर। मालिनी गुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था, धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था, बाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खरताल में, क्या समझ कर बंद गए वो नंदे के जंजाल में, वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में, और जिसके जूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी, दरअसल हीरे चमन ये तो प्रेम की ही बात है। प्रेम के वशीभूत होकर, अरे प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं, प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि अंग संग रहते हैं। बस आस कर विश्वास को, अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर में आएंगे घनश्याम,
इंतजार कौन नहीं जानता है, भीलनी का इंतजार कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है। लेकिन प्यारे आपको एक और सुंदर बात बताऊं, मैं अयोध्या गई थी पहली बार, जब वहां पर मैंने देखा मंदिर के पास एक गाय, एक गौ माता एक स्थान पर अयोध्या की मंदिर की ओर देखते हुए 108 परिक्रमा सुबह और 108 परिक्रमा शाम को लगाती थी, जब तक ये ऐलान नहीं हुआ था कि राम मंदिर बनेगा। और जो मैंने वहां से सुना, ये तीसरी पीढ़ी थी, पहले उनकी माँ, उस गौ माता की माँ, फिर उसकी माँ, ये तीसरी पीढ़ी थी जो रोज की 108 परिक्रमा राम मंदिर की ओर देखकर लगाती है। ये बेजुबान है लेकिन ममता और वात्सल्य से भरी है हमारी गौ माता। इसलिए प्यारे एक विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ, और उनकी भी साधना सफल हुई, हमारे आदरणीय पूजनीय श्री मोदी जी और योगी जी की कृपा थे, जो कि स्वयं राम भगवान और हनुमान जी का रूप है, उनकी कृपा भई, लेकिन उस गौ माता की साधना भी सफल भई। प्यारे इस विश्वास के साथ दोनों हाथ उठा के, अगर आप भी बिना कपट के, बिना छल के, पूरी ईमानदारी से भक्ति में लगेंगे ना, तो याद रखना, मैं द्वापर की बात नहीं कर रही, कलयुग में भी बात कर रही हूँ। अरे निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे श्याम श्याम। मैं भी प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, राधा दुख का सब खासी हूँ,
फूलोबांकी बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री राधा नाम की जय। फूल खड़ा ताल की जय। बोलो श्याम प्यारे की जय। बिहारी श्री हरिदास निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम।